अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो यहां श्रीगंगानगर से शुरू होती है और श्रीगंगानगर में एक गांव है, कौन सा? हिंदू मलकोट। यहां से प्रारंभ होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कोणा गांव जो है राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। और अगर इस तरफ बात करें हम तो बाड़मेर के अंतर्गत, बाड़मेर में कौन सा? बाखासर। बाखासर तक यानी श्री गंगानगर से और बाड़मेर तक, इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? सबसे पहले श्री गंगानगर है, उसके बाद आता है आपका बीकानेर, इसके बाद आता है आपका जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। और इन्होंने क्रम क्या पूछा है आपका? उत्तर से पश्चिम। अगर उत्तर से पश्चिम की हम बात करें तो ये क्रम है। और इस संदर्भ में देखते हैं तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी। तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में माना गया है? कोई उपोष्ण बता रहा है, कोई शीतोष्ण बता रहा है, क्या कहें? दोनों को ही सही मान लें। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है अक्षांश। 0 डिग्री जो अक्षांश है पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। इधर उत्तर में है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, और दक्षिण में है मकर रेखा। इन दोनों के मध्य सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी रहती हैं, तापमान उच्च रहता है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहेंगे हम? उष्ण कटिबंध। इसके बाद 23.5 से, और अगर हम 66.5 की बात करें, दोनों ही गोलार्धों में, नॉर्थ और साउथ, तो 66.5 तक जो स्थिति रहती है वो रहती है आपकी शीतोष्ण की, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब यहां जो शीतोष्ण पार्ट है ये इस ऊपरी भाग यानी ध्रुवीय भाग शीत से भी प्रभावित है और इस तरफ उष्ण से भी प्रभावित है, इसलिए इसका वर्गीकरण किया गया है और इसको दो भागों में बांट दिया। जो उत्तरी भाग है जो पोलर सिस्टम से यानी ध्रुवीय बिंदु से अधिक प्रभावित है बर्फ की तरफ से, उसको कहेंगे हम शीतोष्ण। और जो उष्णता से प्रभावित है, उष्ण यानी उससे कम है, तो इसको कहेंगे हम उपोष्ण, ठीक है। तो इस तरीके से अब राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान का जो विस्तार होता है अक्षांश से 23.5 डिग्री, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है? 100 सही है क्या ये? और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, और यही लिख देता, तो कौन सा सही होता? ऊपर वाला सही होता, क्योंकि यहां 3 के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो कर्क रेखा स्थित हो जाती, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से कोई ऑप्शन आता है आपके सामने तो इसको टिक करना है। अब यहां जो स्थिति हम देख रहे हैं, राजस्थान का विस्तार 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो स्थिति आती है आपकी कहां आती है? ये 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान कुछ इस तरीके से निर्मित है। यहां से कर्क रेखा गुजरेगी, तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग होगा
ये तो होगा आपका उष्णकटिबंध में। और अगर हम बात करें इसके ऊपरी भाग की, तो ये भाग होगा आपका उपोष्ण में। और राजस्थान के संपूर्ण स्वरूप को देखें, क्षेत्रफल की बात करें, तो 99% जो भाग है वो उपोष्ण के अंतर्गत आता है, और 1% जो भाग है वो आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए राजस्थान की संपूर्ण जलवायु के संदर्भ में कहेंगे कि हम ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसका सही आंसर होगा उपोष्ण। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कितना होगा इसका? 8.7। राजस्थान जो कुल नमक उत्पादन करता है देश का, 12% नमक उत्पादन करता है, और उस 12 में से आपका 8.7% जो नमक है वो आपकी सांबर झील से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे अधिक देश में अगर नमक उत्पादन की बात करते हैं तो गुजरात उत्पादन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत की गई, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? हाँ, ऑपरेशन खेजड़ा की अगर हम बात करें तो मरुस्थल के अंतर्गत मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए यहां पर खेजड़ी के वृक्ष लगाए गए, और ये खेजड़ी के वृक्ष जो लगाए गए ये 1991 के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा, और उसी के अंतर्गत चलाए वो लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ खेजड़ी, और एक चीज और ध्यान रखना आप, सह बबूल कह दो या सू बबूल कह दो, एक ही बात। ठीक है, ये दोनों ही वृक्ष मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए हैं, जबकि मरुस्थल के अंतर्गत एक पेड़ और लगाया गया है जिसका नाम है सफेदा या यूकेलिप्टिस। मूलतः ये पौधा ऑस्ट्रेलिया का है, ये पौधा भी लगाया गया है। ये किस लिए लगाया गया आपको पता हो तो? सेम की समस्या के लिए, सेम की समस्या के निवारण हेतु, क्योंकि ये जो वृक्ष है ये पानी को अधिक अवशोषण करता है, अधिक सोखता है, इसलिए यहां पर जो जल रिसाव होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत, उस संपूर्ण जल को अवशोषित कर लेता है, और ये जो दलदली होने से बचाता है भूमि को, इसलिए इस वृक्ष को लगाया गया सेम की समस्या के निवारण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें राजस्थान में मत्स्य बीज सेवन योजना हैचरीज किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1991 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय बाघ परियोजना मत्स्य बीज सेवन योजना है, मछली पालन के लिए जो बीज तैयार होता है उससे संबंधित एक योजना है। आपको पता होगा दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत एक कढ़ाना बैंक क्षेत्र है, नाम सुना है? वहां क्या होता है? कढ़ाना बैंक। और एक और स्थान सुना होगा आपने, ये दोनों स्थान सुने, कढ़ाना बैंक माही नदी के अंतर्गत उसके जल को रोककर एक नहर नुमा स्वरूप बनाया गया और उसमें मत्स्य पालन किया जाता है। इसी तरीके से उदयपुर के अंतर्गत बड़ी तालाब, ये सबसे बड़ा मत्स्य अभयारण्य है आपका राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें भी मत्स्य पालन का कार्य होता है, तो इसी से संबंधित एक ये योजना थी, 1991 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाघ परियोजना के विकास एवं नियंत्रण हेतु एक स्टीयरिंग कमेटी करती है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? बाघ परियोजना, अगर बाघ परियोजना की बात करें
तो 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, बाघ, और इसके संरक्षण के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। इसका जो नेतृत्व किया था कैलाश सांखला, कहाँ के थे ये, कहाँ के थे, जोधपुर के निवासी थे। इनके द्वारा इस बाघ परियोजना का नेतृत्व किया गया था 1973 में, और संपूर्ण देश के अंतर्गत चलाई गई थी 1973 में। राजस्थान के अंतर्गत पहली बाघ परियोजना कौन सी थी, रणथंभौर, उसके बाद सरिस्का, और उसके बाद दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, ये मुकुंद्रा हिल्स, ठीक है। ये तीन बाघ परियोजनाएं संचालित की गई थी। इस बाघ परियोजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। और केंद्र सरकार का रोल होने के कारण जो इसकी अध्यक्षता दी गई है वो दी गई है प्रधानमंत्री को। इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र में जीरा उत्पादक क्षेत्र मानचित्र दिया गया है, तो जीरे के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो जो दो क्षेत्र जो हैं आपके मुख्य रूप से हैं, जालौर है और दूसरा है बारा, ठीक है। जालौर और बारा की बात करें तो मानचित्र के अंतर्गत देखो बारा को इंडिकेट नहीं किया गया है, इसमें जो ऑप्शन चार है चार को जालौर की जगह इंडिकेट किया गया है, तो इसलिए जालौर को यहां हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर अजमेर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल है, तो पुष्कर के अंतर्गत गुलाब की कृषि की जाती है, पुष्कर की पहाड़ियों में गुलाब की खेती की जाती है। अगर गुलाब के साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता, दशमक चेती गुलाब, ये राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है, राजसमंद के अंतर्गत खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियों के अंतर्गत एक बहुमूल्य वनस्पति और पाई जाती है, बताइए कौन सी है? खमनोर की पहाड़ियों में ही एक वनस्पति और पाई जाती है जो राजस्थान में कहीं और कम मात्रा में है, चंदन के वृक्ष। खमनोर की पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से एक नदी भी निकलती है, बनास नदी, खमनोर की पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है, और इन्हीं पहाड़ियों को आवर्धित करने के बाद एक गिरिपदीय मैदान का निर्माण भी करती है नदी, कौन से मैदान का, गिरिपदीय मैदान या पिडमांट के मैदान का निर्माण करती है। वो कौन सी पहाड़ियां हैं जिनको अपर्दित करके ये मैदान का निर्माण करती है, देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, देवगढ़ की पहाड़ियां हैं राजसमंद के अंतर्गत बना, ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद देवगढ़ की पहाड़ियों को अपर्दित करते हुए एक इस प्रकार की स्थलाकृति निर्मित करती है पहाड़ियों में, और साथ ही साथ जमाव भी कर देती है। तो इस तरीके से ये जो संपूर्ण मैदान का स्वरूप बनता है इसको कहते हैं पिडमांट मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। सबसे पहले चोटियां दे रखी हैं, रघुनाथगढ़, सीकर, रघुनाथगढ़ चोटी जो सीकर में है इसकी ऊंचाई क्या है, किसी को नहीं पता, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये, 1055 मीटर, यानी ये पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। दूसरा देखो काकवाड़ी, काकवाड़ी कह दो या काकनवाड़ी कह दो, ये अलवर जिले के अंतर्गत है, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है हर्षनाथ की पहाड़ी,
हर्षनाथ की पहाड़ी, ये कहाँ है? अलवर में। ठीक है, अब देखिए हर्षनाथ को लेकर कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को। हाँ क्लियर कर देता हूं मैं आपको, हर्षनाथ जब नाथ आएगा तो अलवर में है, ठीक है, हर्ष पहाड़ी आएगी तब आएगा आपका सीकर, और हर्षत पर्वत आएगा तो ये है आपका दोसा। तीनों ही स्थिति क्लियर कर लेना, हर्षनाथ नाथ के साथ अलवर, हर्ष पहाड़ी सीकर, और हर्षत माता का मंदिर जो है हर्षत पर्वत वो दोसा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन आपका बिलाली झुंझुनू, जबकि बिलाली जो चोटी है वो कहाँ है? अलवर में, अलवर में है बैरोड के निकट, बिलाली माता का मंदिर भी लगता है यहां पर। हाँ इसमें ऑप्शन ए डी गलत होगा। ठीक है, हाँ भाई पूछो, चलता रहे। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मिट्टी दी गई है, एक तरफ मिट्टी और एक तरफ है फसलें, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में कौन सी फसल उत्पादित होती है? बलुई आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें तो बाजरा या खरीफ की फसलें मुख्य रूप से उत्पादित होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है काली मिट्टी, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। तीसरी है लाल दोमट, लाल दोमट या लैटेराइट, या जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वो मक्का के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, इसके बाद है भूरी दोमट, भूरी दोमट किसके लिए होगी? गेहूं के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद देखिए वही सूची को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट में बांध दिया गया है और दूसरा है संबंधित जिला, ईसरदा बांध, ईसरदा बांध है बनास नदी के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, अडवान बांध भीलवाड़ा, पांचना बांध है करौली, राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, पिचियाक बांध जोधपुर, इसी का दूसरा नाम है जसवंत सागर, इसी पिचियाक बांध का दूसरा नाम है जसवंत सागर। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ए 2 1 4 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न को उत्तर से वो दक्षिण से उत्तर की ओर सजाओ, लिफ्ट नहरें दी गई हैं आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत, तो इन परियोजनाओं की लिफ्ट नहरें हैं उनको दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाना है। देखिए जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये बिल्कुल नीचे है। पहले तो मुझे ये बताओ कितने लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। चलो ठीक है, तो 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे आपकी जय नारायण ठीक है, इसके बाद हम बात करें दूसरा वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है आपकी, इसमें एक ऑप्शन 4 डी भी दे रखा है, शोभा राम कुमावत, ये शायद गलत हो गया क्योंकि इस नाम की कोई लिफ्ट नहर नहीं है, चौधरी कुंभा राम आर्य, इसकी जगह लिख लो आप चौधरी कुंभा राम आर्य, तो सबसे पहले आपकी यही आएगी चौधरी कुंभा राम आर्य। पेयजल की दृष्टि से सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, इसके आगे लिख लेना। ठीक है, दूसरा है आपका, इसके बाद आ जाएगी वीर तेजाजी,
और इसके बाद आ जाएगी आपकी करणी सिंह और इसके बाद जय नारायण व्यास। इस तरीके से ये आंसर होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन किस में दे रखा है कोई ऑप्शन? कोई नहीं, तो इसका क्रम है चेंज कर लेना। सबसे पहले चौधरी कुंभाराम आर्य आएगा, फिर वीर तेजाजी, फिर करणी सिंह और फिर जय नारायण व्यास। हाँ सॉरी, दक्षिण से शुरू करना है। तो इसमें ऑप्शन देखो, सबसे पहले जय नारायण व्यास, करणी सिंह, वीर तेजाजी और चौधरी कुंभाराम। ठीक है, ए है इसमें ऑप्शन में? हाँ तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन खनिजों के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है? ऐसा क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों से बचने के लिए क्या करना है वो देखो। ये इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऑप्शनों को गौर से देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। लिफ्ट नहर सबसे पहले आपकी चौधरी कुंभाराम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद है आपकी कवरसेन, बारूपाल, इसके बाद है आपकी वीर तेजाजी, इसके बाद है आपकी पहले करणी सिंह, करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर और इसके बाद है आपकी जय नारायण व्यास। ये लिफ्ट नहरें हैं, तो इसका क्रम आप देख लो उसके आंसर में। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का कौन कौन से खनिजों में प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन एक देखो, मुल्तानी मिट्टी, कैल्साइट, बाल क्ले और गार्नेट। अगर इसके आंसर की बात करें तो यही इसका आंसर है, लेकिन इसमें हाँ बिल्कुल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखो दूसरा बी ऑप्शन को देखो, कोयला। वर्तमान में कोयले की स्थिति की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, तो पहला ऑप्शन कोयले का यही कट हो गया ये तो। ठीक है, दूसरा देखो गार्नेट, कैल्साइट, मुल्तानी मिट्टी और सोना। तो सोने में तो राजस्थान का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी कट गया। तीसरा देखो वो लास्ट ऑप्शन, बाल क्ले, मुल्तानी मिट्टी, अब्रक और सैंडस्टोन। अब्रक की बात करें तो अब्रक भी राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में अब्रक की स्थिति कहाँ है? भीलवाड़ा में नहीं, राज्य के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। गार्नेट के अंतर्गत तो है आपका अब्रक में एक अधिकार, राजस्थान का अब्रक के अंतर्गत एक अधिकार है। अब ऑप्शन इसमें डी जो दिया है ये भी आपका क्या करेंगे इसको, अब्रक ने कंफ्यूज कर दिया। लेकिन सैंड स्टोन, सैंड स्टोन का मतलब होता है जिस बालू मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिक हो। तो केरल के अंतर्गत एक मोनोजाइट रेत पाई जाती है, उसमें इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, तो केरल वहां सैंड स्टोन के मामले में अग्रणी है। तो इस दृष्टि से ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के दो प्रमुख जिले, जो बेरिलियम के भंडारों की जब बात आती है तो उदयपुर और जयपुर। इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर और जयपुर। पवन चक्की चलाने के लिए वायु की कितनी गति होनी चाहिए? देखिए इसमें ऑप्शन 8, 11, 10 और 9 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 8 किलोमीटर
इसका आंसर आएगा। लेकिन एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है, 15 किलोमीटर कम से कम गति होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको 15 मिलता है तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या होगा, 15। इसमें 8 राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत यह विद्वान लोग मानते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो ये कहती है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है वो होनी चाहिए पवन की, तब आपकी पवन चक्की कार्य करेगी। इसके बाद देखिए, राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योगों के विकास हेतु खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1955 में स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है, एक तरफ योजना दे रखी है एक तरफ वर्ष दे रखे हैं। हाड़ोती कॉम्प्लेक्स योजना 28 मार्च 1995, यही गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन है गलत है इसमें। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 1997 में सही है, पेइंग गेस्ट योजना 1991 में सही है, राजीव गांधी पर्यटन विकास योजना 2001, और जो हाड़ोती थी ये 2009 में शुरू की गई थी, लिख सकते हो यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं। वैसे तो हमें तो सारे बेरोजगार लगते हैं, है यही स्थिति है, धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है बेरोजगारों का। हाँ लेकिन अब कुछ को राहत मिल जाएगी, लाइब्रेरियन में सिलेक्ट हो जाओगे तो कुछ को पुलिस में मिलेगी, कुछ को पटवारी में मिलेगी, ऐसे तैसे करके कोशिश है सरकार की। देखिए इसके अंतर्गत ये वैसे जनगणना से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं आपके, तो ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि ये तो यार सिलेबस में ही नहीं है जनगणना का टॉपिक, कैसे पढ़े इसको, क्यों दे दिया। तो ये आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में जोड़कर पूछा गया, बेरोजगारी की स्थिति पूछी गई है, इसलिए तो यहाँ आंसर होगा इसका 38 लाख। हाँ इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मीणों के अनेक गांव मिलकर पाल कहलाते हैं, सही है क्या, सही है, मीणों की कुल 15 पाले हैं, ये गलत बात है, ठीक है, एक गांव में एक ही गोत्र के मीणा निवास करते हैं, ये भी अगर प्राचीन व्यवस्था को देखते हैं तो सही कथन है। अब मानते हैं कि एक गोत्र के अलावा दूसरे गोत्र के भी रहने लगे हैं, लेकिन जो पहले पाल जो थे उनके अंतर्गत एक ही गोत्र के पाए जाते थे, तो ये 1 और 3 जो इसमें है वो सही आंसर होगा। धीरे धीरे हर चीज की व्यवस्था बदलती जा रही है। राजस्थान में मंडी नियामक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान में मंडी नियामक एवं प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाली संस्था, इसके अंतर्गत आपका होगा कृषि विपणन निदेशालय। कृषि विपणन जो निदेशालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन विश्वविद्यालय कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर में रह रहे हो तो ध्यान रखो, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान आपका जयपुर के अंतर्गत है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो सरकार द्वारा मंडियां बनाई गई हैं उनको गांवों से जोड़ने का कार्य करता है, गांवों का जो भी फसल उत्पादन है सब्जी उत्पादन है उसको उसकी मंडी तक पहुंचाने का कार्य, या उनको मार्ग जो रोड वगैरह है सड़क वगैरह है या आर्थिक सहायता है वो सब ये उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मरु गोचर योजना प्रारंभ की गई, मरु गोचर शब्द से स्पष्ट हो रहा है, मरु का मतलब मरुस्थल और गोचर का मतलब है चारागाह भूमि, तो मरुस्थल के अंतर्गत चारागाह भूमि यानी चारागाहों के विकास के लिए योजना चलाई गई थी ये 2003-04 के अंतर्गत,
और वर्तमान में अगर कि इसकी स्थिति की बात करें तो राजस्थान के 10 जिलों में चल रही है। कितने जिलों में है? 10 जिले। कैसे याद करें? कुछ नहीं करना। मरुस्थल के 12 जिले याद है? बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कर लेना एक बार। पूर्वी राजस्थान के, वो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत 13 जिले आते हैं सिरोही को छोड़कर। सिरोही को जब शामिल नहीं करते तो 12 बसते हैं, वो बसते हैं मरुस्थल के, और उनमें से दो ऊपर के, अगर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को हटा देते हैं तो सारे के इसके अंतर्गत आ जाएंगे, मरुगोचरे योजना के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुल दालों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है वर्ष 2014-15? 14-15 के आंकड़ों के संदर्भ में पूछा है ये। तो इसके अगर हम बात करें तो तीसरा स्थान, सॉरी द्वितीय स्थान 14-15 में, तृतीय स्थान होगा इसमें, इसमें होगा तृतीय स्थान, और वर्तमान में जो स्थान है वो छठा स्थान है। और अगर केवल चने की बात करें तो चने की दृष्टि से प्रथम है, ये भी ध्यान रखना। अगर चना उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो प्रथम है, कुल दलहन की बात करें तो आपका छठा स्थान है, और पहला दलहन की दृष्टि से कौन सा है? दाल सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है? यूपी और एमपी में। यूपी प्रथम स्थान पर है, दूसरा एमपी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो इसके लिए सही आंसर होगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये आपके भूगोल के कुछ क्वेश्चन थे जो आपको सोल्व करवा दिए गए हैं। और कोई समस्या हो? भूरी क्रांति, भूरी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, साथ ही साथ उर्वरक से संबंधित है, ध्यान रखना। अगर दोनों ही ये ऑप्शन में अगर स्थिति है तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका हो सकता है। हाँ, दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। खाने की सामग्री, खाद्य सामग्री, ठीक है। अगर पहली प्राथमिकता देनी है तो खाद्य सामग्री को देंगे, उसके बाद देंगे उर्वरक। और हरित क्रांति का द्वितीय चरण किस नाम से जाना जाता है? अब यहां क्रांति की बात चल गई तो थोड़ा सा पूछ लेता हूं कि हरित क्रांति जो है आपकी कृषि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति वही है, तो उसका जो द्वितीय चरण शुरू हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? पढ़ते हो हरित क्रांति? पढ़ी है। कब शुरू हुई थी? बता देता हूं आपको जानकारी के लिए। अब हरित क्रांति टोपी की छेड़ दिया तो इसको देख ही लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हरित क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में शुरू हुई थी। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में, ठीक है। वैसे तो 30-40 से ही प्रारंभ हो गया था इसका कार्यक्रम, लेकिन मुख्य रूप से जब जोर दिया गया तो 1960 के अंतर्गत इसकी बात की गई। और विश्व में जब इसके जनक की बात आती है तो उसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। 1960 में जैसे ही ये क्रांति विश्व के संदर्भ में प्रसारित हुई तो भारत ने भी इस पर कार्य शुरू किया, और 1966-67 इस समय पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, 1 ईयर प्लान चल रहे थे, वार्षिक योजना चल रही थी, उस समय भारत में इस क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में शुरू करने वाले जो थे वो थे
एम ए से स्वामीनाथन, बहुत बार कंफ्यूजन होता है एस एम का, तो इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी से ध्यान रहेगा, एम एस ए स्वामीनाथन। इनका संबंध भी पूछा जाता है कि किस राज्य से थे ये, तो तमिलनाडु से, ठीक है। इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति वास्तव में थी क्या। इस समय हमारे देश में खाद्य व्यवस्था को लेकर या खाद्य के संदर्भ में समस्या चल रही थी, ठीक है। इस समस्या से निजात पाने के लिए, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में उर्वरक और संबंधित यंत्र, बीज, ये तीनों ही चीजें कृषि में शामिल की। उर्वरकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जो संकर बीज तैयार किए इन्होंने उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इस आधार पर इन्होंने नई फसलें बोई। और बोई कौन कौन सी फसल, एक बोई आपकी गेहूं की, और दूसरी किसकी बोई, दूसरी बोई आपकी चावल की। इस क्रांति का जो मूल उद्देश्य था वो था गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी फसल के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये बोई गई, मतलब किस फसल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो सबसे पहले गेहूं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, गेहूं के साथ चावल को भी बोया गया। गेहूं की बात करें तो गेहूं की कौन सी फसल बोई गई या कौन सी किस्म बोई गई, बताओ। माही नहीं बोई गई थी, मैक्सिको के अंतर्गत तैयार की गई थी K68, ये गेहूं की किस्म थी जो बोई गई थी। और चावल के अंतर्गत बोई गई थी IR08, ये जो विश्व चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला के अंतर्गत, फिलीपींस की राजधानी है, वहां तैयार की गई थी। ये दोनों ही किस्में इसके अंतर्गत बोई गई। बोई कितने राज्यों में गई, तो चार राज्यों में बोई गई। ये चार राज्य कौन कौन से थे, आपका पंजाब था, यूपी था, इसके बाद और इसके बाद राजस्थान। इन चार राज्यों के अंतर्गत बोया गया, बोया गया जो क्षेत्र था वो सर्वाधिक था गेहूं का, ठीक है। लेकिन जब उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन जो हुआ सर्वाधिक वो किसका हुआ, चावल का। उत्पादन चावल का हुआ लेकिन उद्देश्य किसका था, गेहूं का। किस राज्य में किसका उत्पादन अधिक हुआ, तो पंजाब के अंतर्गत चावल का उत्पादन अधिक हुआ और यूपी के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ। इस तरीके से इस क्रांति के अंतर्गत इन तीन चीजों को शामिल किया गया, इसीलिए इस क्रांति का उपनाम भी क्या रखा गया, उर्वरक यंत्र एवं बीज क्रांति। इसके बाद इसका नेक्स्ट चरण शुरू हुआ 1983-85 में, ठीक है। और नेक्स्ट चरण जो था इसको नाम दिया गया सुनहरी क्रांति। तो आपसे यही प्रश्न पूछा था मैंने कि हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण था वो किस नाम से जाना जाता है, तो सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी अगले पेपरों में मिलते रहेंगे, कोई समस्या हो तो पूछ लेना।